पुस्तक नहीं, पुस्तक मैगजीन्स। नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं धनंजय खांडे, स्वागत करता हूं आपका अ ब्रांड न्यू डे एंड अ ब्रांड न्यू व्लॉग में। सो पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि अगले व्लॉग में कॉलेज का मैं फुल टूर करवाऊंगा। सो आज संडे है तो भीड़ भी कम होगी, तो सोचा आज कर लेता हूं। सो अभी हम पहले दिखाएंगे कॉलेज का एंट्रेंस, उसके बाद मॉडर्न बिल्डिंग, उसके बाद मेन बिल्डिंग, उसके बाद जिम, और फिर जो रहेगा वो भी दिखाएंगे। तो ये कॉलेज का एंट्रेंस है, तो ये एंट्रेंस है। यहाँ पर सब सिक्योरिटी गार्ड्स और हो रहे थे, और ये इधर से आप मेन बिल्डिंग के लिए भी जा सकते हो और हॉस्टल के लिए भी। सो अभी पहले आपको वो मॉडर्न बिल्डिंग दिखाई नहीं है, इनक्यूबेशन सेंटर, और फिर शायद बाद में मेन बिल्डिंग दिखाऊंगा। सो चलते हैं अभी। सो ये जिम है, ये मेन बिल्डिंग, और ये मॉडर्न बिल्डिंग मतलब इनक्यूबेशन सेंटर। और एक बात बता दूं, मैंने इस यहाँ जो डिग्री के लिए एडमिशन लिया है वो है बीबीए एग्री, मतलब एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। और ये है लेक्चर रूम का एंट्रेंस, यहाँ पर सभी बड़े बड़े लेक्चर कंडक्ट किए जाते हैं। और यहाँ से मैं रोज बंदी पुड़ू जाओ साल। सो अभी पोपट हो गया, इन्होंने जो गेट है वो बंद करके रखा है, तो हम फिर दूसरी जगह से जा रहे हैं। सो स्टूडेंट का गेट, होप करता हूँ क्या वो चालू होगा। सो अभी ये मेन गेट है, ये बंद है, बंद है। सो गाइस फिर से पोपट हो गया है, उन्होंने वो बिल्डिंग पूरी बंद करके रखी है। सो मेन बिल्डिंग तो 24/7 तो चालू ही होती है, क्योंकि उधर लाइब्रेरी और स्टडी रूम है। सो अभी वो दिखाते, वो शायद मैं अगले व्लॉग में दिखा दूंगा, या शायद कल लेक्चर है तो मैं कल शूट करके एडिट करके डाल दूंगा इसी व्लॉग में। सो अभी दिखाते, ये है मेन बिल्डिंग का एंट्रेंस, ये कुछ ऐसा दिखता है। डॉक्टर शरद चंद्र पवार कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस बारामती। तो भी स्पेशली इनका कॉलेज है, तो एंट्रेंस पर ही जो शरद पवार साहब ने जो जो भी डिग्री ली है और कितने बार एमएलए है और सभी इंफॉर्मेशन यहाँ दिए, और सब इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ और यहाँ लगती है और वहाँ भी। और यह एक खास चीज़ मुझे ये लगी कि इन्होंने एक लिस्ट लगा के रखी है जो भी यहाँ टीचर्स है उनकी। सो और ये है आपा साहेब पावर उनके ही भाई। सो चलते हैं अभी, चल पड़ो ना। तो आगे लाइब्रेरी है, तो मैं अंदर जाने के बाद कुछ बोलूँगा नहीं, सिर्फ शूट करूँगा, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये है लाइब्रेरी। सो अभी चलते हैं ऊपर, कुछ नहीं। अरे ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। और ये एग्रीकल्चर का कॉलेज है, तो बैल और हल ये तो होना ही चाहिए नेसेसरी के लिए। मतलब ये व्लॉग इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन जिनको भी यहाँ एडमिशन लेना है और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए और बीबी एग्री के लिए जो भी एडमिशन लेना चाहेंगे इधर, उनके लिए शायद ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल रहेगी। और यहाँ पर मैं से और यहाँ पर कैंटीन, सो आज कैंटीन भी बंद है, संडे है तो शायद यहाँ से अंदर दिखाई दे। हाँ ये भी कैंटीन है। सो अभी इसके बाद आपको ग्राउंड दिखाता हूँ। और ये कॉलेज का प्लेग्राउंड है, तो ये शाम को पूरा भर जाता है, करीब करीब पूरा।
इतनी यहाँ भीड़ हो जाती है, यहाँ मतलब सब स्पोर्ट्स चलते हैं, जैसे कबड्डी हो गया, बेसबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया और बहुत सारे, मेरे को इतने नाम भी नहीं आते जितने स्पोर्ट यहाँ चलते हैं। और वो जो रही वो है हॉस्टल की बिल्डिंग UCG के, जहाँ हम रहते हैं, और वहाँ छोटे बच्चों का हॉस्टल है, और यहाँ शारदा शारदा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, और वहाँ बास्केटबॉल के मैचेस भी होते हैं वहाँ पर। सो अभी चलते हैं, आपको जिम दिखाते हैं, नई जिम हुई है वो। बाय द वे यहाँ नया इंटरनेशनल टाइप का स्विमिंग पूल भी चालू हो गए, जहाँ इंटरनेशनल लेवल के मैचेस भी होते हैं, और इसका पिछले हफ्ते ओपन सेरेमनी थी, तो वो भी आपको दिखाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कॉलेज की बहुत क्या कहते हैं उसको बढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन अभी व्लॉग शूट करने के लिए यहाँ कंटेंट भी नहीं है, तो हम घूम फिर भी नहीं रहे, इसीलिए यही दिखाना पड़ रहा है अभी। तो अभी इन्होंने यहाँ नई जिम खोली है, सो इसकी फीस भी मतलब मॉडरेट है, इतनी भी नहीं, 700 या 800 है, और बहुत अच्छी जिम बनाई है इन्होंने। सो चलते ही दिखाते हैं आपको, मतलब मैं पहले जिम में जाता था उससे तो अच्छी है। सो सोच रहा हूँ अगले मंथ से मैं आ जाऊँ वर्कआउट करने के लिए, मतलब अगला मंथ क्या, अभी 7-8 दिन ही तो रहे कार्डियो सेशन। और ये नहीं उगड़े, सो ये है, मतलब अच्छी खासी मशीनरी है, और यहाँ पर थंबनेल ही आ गया, मतलब फिंगरप्रिंट से एंट्री होती है। सो अभी हमने पैसे भरे नहीं इसलिए एंट्री तो होगी नहीं, सो बाहर से ही देख लो। और यहाँ एक जिम और भी एक है, जिसकी फी कॉलेज की फीस से कट हो जाती है, वहाँ 150 फी है। सो वो भी अच्छी खासी है, मतलब उसमें भी अच्छी खासी मशीनरी है, तो जिनका मतलब जो इंटरमीडिएट लेवल के जो वर्कआउट करते हैं उनको यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं, मतलब ऐसा नहीं है जिसका जैसा मन है। और यहाँ पर जुम्बा भी होता है, ये देखो। सो अभी आपको स्विमिंग पूल दिखाता हूँ, स्विमिंग पूल है, इसकी करीब कितनी फी है, और यहाँ 700 रुपये मंथ की फी है। अगर आपको स्विमिंग अच्छी लगती है तो यहाँ आप आ सकते हैं शाम को, ये सुबह तो नहीं लेकिन शाम को खुला रहता है। और फिर अभी निकलते हैं, सो अभी भूख लगी है, 12 भी बजे, और आज हमको बाहर भी जाना है थोड़ा, सो खाना खा लेते हैं अभी। लेकिन गाइस आपको एक बात बता दूँ, अगर आपको पढ़ाई और फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है मतलब स्ट्रिक्टनेस से, तो यही कॉलेज है, बाकी टाइम पास के लिए कॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। आप सोच रहे होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो यार टाइम पास अच्छा खासा हो जाता होगा, दिन अच्छे खासे कट जाते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पढ़ाई और करना है तो फिजिकल एक्टिविटीज़ मतलब स्पोर्ट कीजिए, वरना आजू बाजू में टाइम पास के लिए या कोई जगह नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो सबसे यहाँ क्या यहाँ आवारागर्दी होती है, फिर दर्द होती है, रोज होती है। शाबाश बेटा। और ये 11th और 12th का कॉलेज है साइंस के लिए, साइंस स्ट्रीम के लिए, तो यहाँ सारे 11th और 12th क्लास के बच्चे ही पढ़ते हैं, मतलब जो प्रॉपर है यहाँ। और जो 11th और 12th पढ़ते वो शायद मेच्योरिटी में यहाँ जो पढ़ते हैं वो यही रहते हैं, मतलब हमारे साथ जो बच्चे यहाँ पढ़े थे 11th और 12th के साथ, वो मेच्योरिटी में बच्चे बहुत ज़्यादा हमारी क्लास में है अभी डिग्री ग्रेजुएशन के लिए। सो अभी मेस में गर्दी हो चुकी है, तो अभी खाना खा लेते हैं। सो अभी हमारा संडे इस तरह से गुजरते हुए, और अभी हमने थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग और करनी है, तो अभी हम शाम को जाएंगे यहाँ से शायद 2-4 किलोमीटर दूर बारामती है, सो हम वहाँ जाएंगे। सो अभी थोड़ा सो लेते हैं यहीं पर। अलैकुम अस्सलाम।
मोबाइल आ जा। वो हम आ चुके हैं, थोड़ी बिरयानी खाएंगे। अभी शाम के 5 बज गए थे तो भूख भी लगी थी, और अभी इसके बाद खाएंगे और सीधा जाएंगे हॉस्टल में। सो अभी आपको उधर ही मिलते हैं। तो ओके, ये स्नैप बनाते हुए हमारे भाई, और ये पीस पीस देखते हुए हमारे भाई, और ये चुप तरीके से देखते हुए। अरे नहीं रे, हमें भी स्नैप बनाने का है। हाँ, इसीलिए थोड़ा अरेंज कर रहे हैं उसको। अच्छा अच्छा, लड़कियों जैसा काम होगा है फिर तो। चलता है। The next day. Cut to next day. अभी बज गए सुबह के 8, हम जा रहे हैं कॉलेज के लिए। तो अभी थोड़ा लेट हो गए, शायद 8 बजे को लेक्चर था, तो अभी फटाफट चलते हैं। दोनों ले सर। टिक और यहाँ बैठने के लिए ये कमर्शियल जगह, और ये नीचे बिल्डिंग है, आगे फिर टेरेस। लावा ऐसा, और ये बिल्डिंग है, और ये वो क्लासरूम है हमारा। कैसा जा रहा है आज का दिन आपका? ये देखो, खाने के टाइम पे हम कैडबरी खा रहे हैं, क्योंकि खाना अभी इतनी सुबह तो खाना जाएगा नहीं, अभी खाली 1 बजे है। अब हम इतनी जल्दी खाना नहीं खाते, इसीलिए खाली कैडबरी ले ली है। तो अभी लंच ब्रेक हो चुका है, तो सोचा थोड़ा टूर बाकी वो करा दूँ, बाद में वीडियो भी लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी शॉर्ट में थोड़ा निपटा देता हूँ। अभी हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर को। ग्राउंड है सामने का, और यहाँ कोई बैठता नहीं। वो हमारे ऊपर क्लासरूम, हमारा क्लासरूम शायद सेकंड फ्लोर पे, और ये ऑटोमेटिक दरवाजे। सो होप यू गाइज एंजॉयड दिस व्लॉग। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी एक ही साथ कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर एंड बाय। You.